बजट सत्र शुरू होने पर सामान्यतः 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि बजट को सही तरीके से कैसे सारणीबद्ध किया जाता है, जबकि बजट केवल एक दिन के लिए संसद में विचार विमर्श के लिए किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसको तैयार करने में कई महीने लगते हैं। केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए कई सरकारी विभागों को मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि बजट का क्या इतिहास रहा है। 161 साल पहले यानी 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार ने पहला बजट पेश किया था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर सन 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था। फिर भारत में 1950 को गणतंत्र स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी सन 1950 को जॉन मथई ने पेश किया। आइए अब जान लेते हैं कि बजट क्यों पेश किया जाता है। दरअसल बजट में केंद्र सरकार के 3 वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। वित्त मंत्री संसद में ये बताते हैं कि पिछले साल सरकार की आय और व्यय कितनी थी, वर्तमान वर्ष में कितनी है और अगले साल आय और व्यय कितनी होने की उम्मीद है। इस प्रकार बजट के माध्यम से सरकार पूरे देश को ये बताती है कि वह जनता की कमाई का एक एक पैसा योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बजट के माध्यम से ही देश की आर्थिक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाया जाता है। आइए जानते हैं कौन बनाता है देश का बजट। देश का बजट तैयार करना एक अहम प्रक्रिया है। इसके लिए लंबे वक्त से तैयारी करनी पड़ती है और ये काफी परामर्श से तैयार होता है। वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों विभागों की मदद और सहयोग से बजट तैयार करता है। इस दौरान वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। इस पर सभी मंत्रालयों को अपनी अपनी मांग को बताना होता है। वहीं वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है। आइए अब जानते हैं कि कैसे पेश किया जाता है ये बजट। बजट पेश करने की तारीख पर सरकार स्पीकर की सहमति लेती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति की मंजूरी लेते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। इसमें प्रमुख अनुमानों और प्रस्तावों का ऐलान किया जाता है। बजट पेश करने से ठीक पहले वह समरी फॉर द कैबिनेट के जरिए बजट के प्रस्तावों पर कैबिनेट को संक्षेप में बताते हैं। वित्त मंत्री के भाषण के बाद सदन में पटल पर बजट रखा जाता है। इस तरह ली जाती है सबकी राय। आपको बता दें कि आम बजट बनाने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई सालों से नागरिकों से सुझाव मांगता है। इस साल भी वित्त मंत्रालय ने बजट के लिए लोगों से आइडिया और सुझाव देने को कहा है। वित्त मंत्रालय उद्योग से जुड़े संगठनों और पक्षों से भी सुझाव मांगता है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह इसे अंतिम रूप दिया जाता है। बजट के सभी डॉक्यूमेंट्स चुनिंदा अधिकारी ही तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली सभी कंप्यूटर्स को दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम कर रहा लगभग 100 लोगों का स्टाफ करीब 2 से 3 हफ्ते नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहता है। कुछ दिन उनको बाहर आने की इजाजत नहीं होती। अधिकारियों के पास केवल एक फोन होता है जिस पर वे सिर्फ कॉल रिसीव कर सकते हैं। 2016 में पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया था। आइए अब जानते हैं कि किस तरह रखी जाती है बजट की गोपनीयता। जी हाँ, ये बहुत जरूरी भी है। बजट निर्माण की प्रक्रिया को इतना गोपनीय रखा जाता है कि संसद में पेश होने तक इसकी किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। इस गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक स्थित दफ्तर को बजट पेश होने के कुछ दिनों पहले से एक अघोषित कैद खाने में तब्दील कर दिया जाता है। बजट की छपाई से जुड़े कुछ कर्मचारियों को यहाँ पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे में दिन रात रहना होता है। बजट के 2 दिन पहले तो नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय का हिस्सा तो पूरी तरह सील कर दिया जाता है। यह सब वित्त मंत्री के बजट भाषण के पूरा होने और वित्त विधेयक के रखे जाने के बाद ही समाप्त होता है। तो इस तरह तैयार की जाती है बजट की पूरी प्रक्रिया।
आपका इस पे क्या कहना है, अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।